और जेलेंस्की को नेवल ड्रोन क्यों चाहिए? स्वीडन ने परमाणु हथियारों को लेकर क्या कहा है? रूस और यूएन की बातचीत में अभी तक क्या नतीजा निकला? युद्ध के मैदान से जुड़ी लेटेस्ट खबरें दिखाते हैं महायुद्ध टॉप 9। रशियन मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए जेलेंस्की को नेवल ड्रोन चाहिए। जेलेंस्की ने विश्व समुदाय से ड्रोन खरीदने के लिए आर्थिक मदद की अपील की है। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन को 100 ड्रोन की जरूरत है और एक ड्रोन की कीमत करीब $2,74,000 है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच स्विट्जरलैंड में रूस और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत में यूक्रेन ने अनाज शिपमेंट के एक्सपोर्ट की अनुमति देने पर बातचीत की। बातचीत में युद्ध का भी मुद्दा उठा। खेरसोन फतेह के बाद यूक्रेनियन आर्मी अब रूस के बेलगोरोद पर हमले की तैयारी कर रही है। खेरसोन से सटे बेलगोरोद के कई गांवों को रूसी फौज ने खाली करा दिया है। बेलगोरोद में अगले कुछ दिनों में भीषण युद्ध की आशंका है। TV9 की टीम ने भी बेलगोरोद का जायजा लिया। स्वीडन ने साफ कर दिया है कि नाटो का सदस्य बनने के बाद वे अपनी धरती पर परमाणु हथियार रखने और इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। स्वीडन के विदेश मंत्री ने परमाणु हथियारों से संबंधित नीति की जानकारी दी। बता दें कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो के सदस्यता के लिए अप्लाई कर रखा है। रूस ने अमेरिका के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 200 अमेरिकी नागरिकों पर बैन कर दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक जो बैन हुए हैं उनमें राष्ट्रपति जो बाइडेन के दो भाई और बहन भी शामिल हैं। जर्मनी यूक्रेन को 1 बिलियन यूरो मदद में भेजेगा। जर्मनी का कहना है कि इस पैसे से यूक्रेन रशियन साइबर अटैक, रूस के वॉर क्राइम को लेकर सबूत इकट्ठा करेगा। यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से पहले भी कई युद्धक सामान मिल चुके हैं। अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन ने अब क्रीमिया के लिए भी वॉर प्लान बना दिया है। एक ब्रिटिश वेबसाइट ने दावा किया है कि खेरसोन में फतेह के बाद यूक्रेन के लिए क्रीमिया का रास्ता खुल गया है। आशंका है कि क्रीमिया खोने के हालात में पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं। जंग के बीच यूक्रेन के लिए एक और अच्छी खबर है। रूस ने यूक्रेन के 45 युद्ध बंदियों को वापस यूक्रेन को लौटा दिया है। युद्ध में मारे गए 2 सैनिकों की बॉडी को भी रूस ने यूक्रेन को दे दिया है। अब तक 1,000 से ज्यादा युद्ध बंदियों की अदला बदली हो चुकी है। एटमी खतरे पर अमेरिका और रूस ने 2026 तक के लिए न्यू स्टार्ट संधि की हुई है। इस संधि के तहत अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित रखेंगे। इस वक्त रूस के पास 6,257 परमाणु हथियार हैं, तो अमेरिका के एटमी जखीरे में 5,550 वेपन मौजूद हैं।